हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपका अपने चैनल एनीबॉडी कैन कुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक चकली की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो बहुत ही हेल्दी है, जिसे हम बिना तेल के बिना घी के बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने एक चुकंदर लिया है, मीडियम साइज का चुकंदर लेना है। चुकंदर को मैंने वॉश कर लिया है। अब हम चुकंदर का छिलका निकालकर अलग करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। इन टुकड़ों को जार में ट्रांसफर करेंगे और जरूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। अब जार का ढक्कन लगाकर इसका महीन पेस्ट तैयार करेंगे। अब बीटरूट के पेस्ट को छान लेंगे। हम इसका केवल जूस यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो पल्प भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप इसका पल्प यूज करते हैं तो चकली में चुकंदर का टेस्ट आ जाएगा, जो कभी कभी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी चुकंदर के सारे मिनरल्स तो जूस में ही आ गए हैं। तो अब हम इस जूस को फिलहाल के लिए एक तरफ रखेंगे और पल्प को अलग कर देंगे। अब एक बड़ी परात में 2 कप चावल का आटा लेना है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। ध्यान रखें कि जिस कप से हमने चावल का आटा लिया है, उसी कप से हमें 1/2 कप गेहूं का आटा भी लेना है। 1/2 छोटे चम्मच भुने दरदरे कुटे हुए जीरे डालेंगे। 1 छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स आप घर पर भी बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट वाले, वो भी बिना मिक्सर के। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। 1 छोटे चम्मच सफेद तिल डालेंगे। 1/4 चम्मच के करीब या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब चकली को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें बटर डालेंगे। 2 चम्मच ग्राम में 30 से 40 ग्राम बटर ऐड करेंगे। बटर हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। बटर डालने से हमारी चकली के आटे का टेक्सचर क्रम्बली हो जाएगा और चकली क्रिस्पी बनेगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने जो चुकंदर का रस निकाला था वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। चकली का डो मीडियम सख्त होना चाहिए। जूस के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका सख्त मीडियम डो तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका मीडियम सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब चकली बनाने के लिए चकली की मशीन लेंगे। सिलेंडर को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे सिलेंडर से देंगे, चकली की मशीन में फिल करेंगे और अब ढक्कन लगाकर इसे फिक्स करेंगे। अब हम बिना तले चकली बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें लेना है माइक्रोवेव प्लेट। प्लेट को भी थोड़े से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम डायरेक्ट प्लेट में ही चकली बनाएंगे। चकली को 3 से 4 या 5 राउंड में सेप देंगे। आप जितनी भी छोटी या बड़ी चकली बनाना चाहते हैं उतनी बना लें। और हाँ, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इन चकली को फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने पहले से माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लिया है। अब चकली को 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, इसके बाद हम इनको फ्लिप करेंगे। तो जब तक हमारी चकली बेक हो रही है, तब तक हम कुछ चकली को डीप फ्राई भी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसके लिए हमें मीडियम गरम तेल लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चकली को कढ़ाई में तल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि चकली बनाने के बाद शुरू और लास्ट का पॉइंट प्रेस करके हल्का सा दबा दें, जिसमें चकली तलते समय खुलेंगी नहीं। अब एक एक करके कढ़ाई में 4 से 5 या जितनी चकली आसानी से आ जाएं उतनी डाल देंगे। आंच धीमी रखेंगे और अब चकली जब तक नीचे की तरफ से हल्की सी सिक न जाए, इन्हें पलटेंगे नहीं तो चकली टूट जाएंगी। जब चकली नीचे की तरफ सिक जाए तो सावधानी से इनको पलट देंगे और चकली को दोनों तरफ से पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। चकली दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई है, इनको प्लेट में निकालेंगे और एक बार के बैच तलने में हमें 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। अब हमारे 15 मिनट भी हो गए हैं। ओवन से चकली निकालेंगे। वाह, हमारी चकली का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इनको हम केयरफुली फ्लिप करेंगे और फिर से 5 से 10 मिनट तक बेक करेंगे। तो तैयार है हमारी बिना तेल की चकली। इनको प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से सारी चकली बनाकर तैयार करेंगे। आप चकली को 2 तरह से बना सकते हैं। ये हमारी फ्राई चकली, इनका कलर थोड़ा डार्क आया है क्योंकि हमने तेल में फ्राई की है, तो चकली ने तेल को सोक कर लिया है, इसलिए इनका कलर डार्क है। जबकि बिना तेल वाली चकली यानी कि बेक की गई चकली का कलर एकदम लाइट गुलाबी है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। खाने में दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट हैं।
आप इनमें अपने पसंद के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी चटनी खाना चाहते हैं तो आप इसमें अदरक लहसुन मिर्च हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी आपकी चकली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।